गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4, दैट इज़ एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. सो दिस यूनिट इज अबाउट कल्पना चावला एंड वी ऑल नोज अबाउट हर. सो लेट्स स्टार्ट इट. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर इज गिवन इन योर बुक. सो लेट्स रीड इट फर्स्ट. A news report: tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flame. तो ये जानते तो हम लोग सब हैं कि कल्पना चावला जो है इसरो से उनको भेजा गया था एक्सप्रेस शटल में, और वहाँ से लौटते टाइम जो है वो स्पेस शटल जो है बर्स्ट हो गया, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई. तो कैसे वो US स्पेस शटल जो है फ्लेम में बदल गया, कब वो गई, कब वो आई, वहाँ पर क्या क्या हुआ, और कल्पना चावला की लाइफ कैसी रही, कैसे वो वहाँ तक पहुँची, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, US स्पेस शटल कोलम्बिया कैरिंग इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड सिक्स अदर्स ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रिक्ट ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, ठीक है. तो एक अभूतपूर्व स्पेस ट्रेजेडी जो कि US स्पेस शटल, शटल हम कहते हैं जो कि प्रिपेयर किया जाता है स्पेस में जाने के लिए. तो बेसिकली जो है शटल ऐसा नहीं है कि एक बार गए और वो यूज़ एंड थ्रो टाइप. जो इस शटल तैयार किया जाता है वो कोई कोई, जैसे ये जो स्पेस शटल था वो 100 फ्लाइट्स के लिए जो है एनफ था, कि 100 फ्लाइट जो है वो एटलीस्ट वो कवर कर सकता है. तो US स्पेस शटल जो है, स्पेस शटल जिससे स्पेस जाया जाता है, जिसका नाम क्या था, कोलम्बिया, और वो किसको कैरी करके जा रहा था, इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. इंडिया में जन्म ली हुई एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था कल्पना चावला, और उनके साथ 6 और एस्ट्रोनॉट थे जो फ्लेम में बदल गए आते वक्त. क्यों बदल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, स्ट्रिक्ट ओवर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से वो आ रही थी, लैंड कर रही थी. लैंड का मतलब होता है जब कोई स्पेसक्राफ्ट नीचे आ रहा होता है उसे कहते हैं हम लैंड करना. जैसे कोई फ्लाइट ही जब आ रही होती है, ज़मीन को टच करने वाली होती है, तो कहते हैं ना कि लैंड करने वाली है. तो वो सैटरडे 1 फरवरी 2003, इस दिन इन 7 एस्ट्रोनॉट जो है इस स्पेस क्राफ्ट में और इस फ्लेम की वजह से सारे के सारे मारे गए. द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM. शटल ने अपना कॉन्टैक्ट जो है नासा के साथ खो दिया था 9 बजे ही. यहाँ पर कॉन्टैक्ट खोने का मतलब ये है कि शटल जो होता है उसके अंदर में क्या क्या इंसिडेंट हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है नासा जो है, जो कि अमेरिकन ये स्पेस एजेंसी है, तो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है, वहाँ पे जो साइंटिस्ट है, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं अपने स्क्रीन पे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और वो हर एक सेकंड की उन्हें खबर होती है कि क्या क्या हो रहा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 बजे ही क्या हुआ कि नासा जो है उस स्पेस शटल से अपना कॉन्टैक्ट खो दिया, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का कनेक्शन बंद हो गया. एट एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, तो जब वो लैंड करने वाला था तो 9 बजे ही नासा ने अपना कॉन्टैक्ट उस शटल के साथ खो दिया. इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 feet एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर. जो शटल था वो 200,000 feet की ऊंचाई पर उड़ रहा था, और उसकी जो स्पीड थी वो थी 20,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में वो 20,000 किलोमीटर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा था. व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ द शटल, जब ग्राउंड कंट्रोल जो है वो खो चुका था शटल के साथ. कोलम्बिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैंडे स्पेस सेंटर. कोलम्बिया जो स्पेस शटल थी जिसका नाम कोलम्बिया था, वो 16 जनवरी 2003 को लिफ्ट ऑफ की थी. जैसे कोई फ्लाइट होता है तो वो जब निकलने वाली होती है तो हम लोग कहते हैं ना कि टेक ऑफ करने वाली है, और जब कोई स्पेस शटल निकलने वाला होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिफ्ट ऑफ करना. लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि
देखा होगा आप लोगों ने कि प्लेन जब जाती है ना तो पहले वो ज़मीन पे बहुत फास्ट जो है मूव करती है और फिर धीरे धीरे जो है मतलब ऊपर की ओर जाती है। लेकिन रॉकेट जो होता है, जो स्पेस शटल होता है, वो सीधा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये डिफरेंस होता है लिफ्टेड ऑफ में और टेक ऑफ में। तो 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया लिफ्ट ऑफ की थी, कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि कहाँ पर है? फ्लोरिडा में। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। नीचे आने से पहले जो है जो स्पेस शटल कोलंबिया जो है वो ऑर्बिट में 16 दिनों तक रही, और कोलंबिया के अंदर इस स्पेस शटल के अंदर में जो 7 लोग थे, इन सब ने मिलकर के वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए थे। लेकिन जब तक ये नीचे आती ऐसा हो नहीं पाया, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन उन सारे एक्सपेरिमेंट जो है, जो 80 एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किए और यहाँ आते उससे पहले, वो एक घटना बन गई। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। कोलंबिया जो स्पेस शटल था उसका ये 28th फ्लाइट था, मतलब कि 28वें बार वो स्पेस में जाने वाला था। और ऐसे स्पेस शटल की जो कैपेसिटी होती है वो 100 फ्लाइट के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो जबकि 100 फ्लाइट के लिए वो सही था, अगर वो 100 फ्लाइट 100 बार भी स्पेस जाता तो भी वो अच्छे से ज़मीन पे फिर वापस आ सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 28वें बार में ही जो है कोलंबिया बर्स्ट हो गई। सो दिस वॉज द लिटिल इंस्ट्रक्शन। In next class, we will start this chapter.